हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्रेडिंग करना बताऊंगी। अक्सर क्या होता है कि जो लोग ब्यूटी पार्लर पे जाके ब्यूटिशियन का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अपने आप से थ्रेडिंग कभी भी नहीं होती। हम दूसरे की थ्रेडिंग तो कर सकते हैं, बट अपनी थ्रेडिंग सबसे नहीं हो पाती। ब्लीच भी हो जाती है, अगर हम वैक्स करना चाहें तो वैक्स भी हो जाती है, फेशियल करना चाहें तो फेशियल भी हो जाता है, लेकिन थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे की करते हैं लेकिन अपनी नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ कि अपने आप थ्रेडिंग कैसे की जाए। तो अब ऐसा करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर ब्यूटी टिप्स बड़ा इजीली पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी थ्रेडिंग अपने आप कैसे करते हैं। तो हमने ये थ्रेड लिया है, तो हमने इतना धागा तोड़ लिया है। तोड़ के हमने इस तरह से इसके अंदर एक गांठ लगा ली है। ये हमने एक गांठ लगा ली है, तो ये इस तरह से बन गया। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह से इसके अंदर 7 से 8 बल देने हैं। ये हमने दे दिए हैं और हमने 2 बल इस तरह दे दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, आप ये देख रहे हैं हम बहुत इजीली इसको चला पा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, आपने इसे अपने टांगों पे चलाना है एक एक बाल को। आपको ये पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने बाल खींचना होता है, इस कॉर्नर पे हमने बाल रखना है और इस तरह से हमने चला देना है, और इस कॉर्नर पे रखना है तो हमने इस तरह से चला देना है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने अपर लिप्स, अपना फॉरहेड, अपनी थ्रेडिंग अपने आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इजीली चल रहा है। तो इस तरह से आपने ये बनाना है। तो आपने मेरे को देखा है कि मैंने इसको कैसे बनाया, आप वीडियो को ध्यान से देखें और घर पे इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप अपनी थ्रेडिंग खुद कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, आपने देखा है कि कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाना, इसको करना बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा हमें देखने में टफ लगता है, बट बहुत इजी है। आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल अपनी थ्रेडिंग अपने आप से घर बैठे खुद से कर लेंगे। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है थ्रेडिंग करवाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, एक नई टिप्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।